हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब, स्वागत है तुम सब लोगों का फार्मिंग सिम्युलेटर 22 के एक और मजेदार गेम प्ले के अंदर। तो भाई, लास्ट टाइम एक एपिसोड के अंदर मैंने तुम लोगों को बोला था कि अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो एक घंटे का एपिसोड तुम लोगों को मिले करेगा नेक्स्ट टाइम से। तो भाई, उस वीडियो पे अभी तक 100 लाइक्स पूरे नहीं हुए, और अगर इस वीडियो पर भी 100 लाइक्स आते हैं तो पूरे के पूरे एक घंटे का एपिसोड तुम लोगों को लाजमी मिले करेगा भाई। तो आज ना हमें बहुत सारा काम करना है, जल्दी से ना अपने इस वाले फार्म ट्रैक को पहले लेकर चलते हैं। और अपना ऑटो लोडिंग वाला ट्रेलर आई थिंक वो तो उधर चला गया भाई। तो एक सेकेंड, अपना ना एक और हम लोग ऑटो लोडिंग वाला ट्रेलर खरीद लेते हैं। तो ये आ गया अपना ऑटो लोडिंग वाला एक ट्रेलर। और एक सेकेंड भाई, इसको इसके ऊपर लोड करके अपने को आज अपना सारा सामान बेचना है। मतलब अपना कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी ऑयल है ना वो सारे के सारे ऑयल, और साथ में जो आटा वाटा भाई बना हुआ अपनी उस वाली मिल के अंदर, फ्लोर मिल के अंदर, वो हमें जो है ना वो आज सेल करने हैं। तो फटाफट से अपने इस वाले फार्म ट्रैक के अंदर, अबे भाई क्या हो गया इसको, चलो ये अपने फार्म ट्रैक के अंदर बैठ के हम लोग चलते हैं भाई फटाफट से। और आज हम लोग एक बढ़िया वाला कोई बड़ा सा ट्रैक्टर खरीदने वाले हैं। पहले मैं चेक कर लूं कुछ ऑफर में लगा हुआ भाई, डिस्काउंट में। अरे डिस्काउंट में ये क्या भाई, इतना बड़ा ट्रेलर भाई, व्हाट इज दिस। अरे भाई ये क्या चीज है। अरे 211,000 लीटर इसके अंदर हम लोग भर सकते हैं भाई, और ये 50% ऑफ पे अपने को मिल रहा है। लेकिन हमें आज कोई ट्रैक्टर चाहिए, और ट्रैक्टर यहाँ पर है नहीं कोई भी। तो आज हम लोग ना भाई फार्म की थोड़ी सी सेटिंग भी करने वाले हैं, वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि कैसे कैसे अपने को सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये बेचने वेचने वाला जो काम है ना ये कर लेते हैं। और आज हम लोग जो है ना अपना ये वाला जो घर है यहाँ से ये हटाने वाले हैं, और इधर साइड में ना कुछ चीजें हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से इधर हमने ग्रीन हाउसेस लगाए हैं, और अभी अपनी जो है ना वो ये वीट जो है ये ग्रो कर ही नहीं रही भाई। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर वीट है ना भाई, इधर हम लोग कुछ और लगाएंगे, लेकिन मतलब इधर हम लोग अपना फार्म बनाएंगे, मतलब वहाँ पर चीजें वगैरह लगाएंगे, फैक्ट्रीज वगैरह। तो ठीक है, उससे पहले हम लोग जो है ना अपना ये काम निपटा लेते हैं सारा का सारा। और एक सेकेंड, तो ये देखो भाई, यहाँ से ये आटा अपना लोड हो चुका है, और आई थिंक यहाँ पर आटा तो काफी सारा होना चाहिए ना भाई। फ्लोर अभी 11,000 लीटर है, और अभी अपने पास तो थोड़ा सा ही लोड हुआ है भाई साहब। अबे यहाँ पर सारा का सारा स्पॉन क्यों नहीं, हाँ ये देखो ना हो रहा है भाई, ये देखो अपना आटा यहाँ पर स्पॉन हो रहा है। और अभी कितना रह गया इसके अंदर, अभी इसके अंदर 5,000 लीटर और है। तो ठीक है, अभी हम लोग ना यहाँ से जल्दी से इस वाले अपने ट्रैक्टर को घुमा लेते हैं भाई, और एकदम तगड़े तरीके से यहाँ पर अपनी ये वाली मिल भी काम कर रही है। यहाँ पर हम लोग मतलब ऑयल वगैरह बनाते हैं, तो जल्दी से भाई अपने इस वाले फार्म ट्रैक को लेकर चलते हैं और ये चीजें बेच कर आते हैं, और देखते हैं इनका अपने को कितना पैसा मिलता है। तो भाई ये फार्म ट्रैक भी सही है, तुम लोग कहते हो भाई, कुछ लोग कहते हैं देसी ट्रैक्टर लो, कुछ लोग कहते हैं विदेशी ट्रैक्टर लो। तो भाई मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, इसलिए फिर मैंने दोनों ट्रैक्टर रखे हैं, देसी भी और विदेशी भी। तो आज हम लोग एक विदेशी ट्रैक्टर लेंगे, देसी ट्रैक्टर तो अपने पास ऑलरेडी है ना, और इसका देखते हैं अपने को कितना पैसा मिलता है इतने आटे का भाई, $23,000। अरे वाह भाई, मतलब एकदम तगड़ी कमाई हो रही है अपनी। अगर हम लोग ये डायरेक्ट हम लोग ओट सेल करते तो अपने को कुछ भी नहीं मिलना था भाई, ठेंगा मिलना था। तो हम लोग ओट सेल नहीं करेंगे, हम लोग जो है ना इसीलिए चीजें डायरेक्ट चीजें बना के मतलब प्रोडक्ट्स बना के सेल करेंगे, इसी में ही अपना फायदा है भाई। तो ये देखो यहाँ पर से देखते हैं अभी सारा कुछ आ गया क्या। अरे नहीं भाई, अभी तो यहाँ पर फ्लोर है अभी, ओके अभी यहाँ पर 2-3 अभी और हैं, मतलब अपने को आज अच्छी खासी कमाई हो जाएगी भाई। अभी आज हम लोग जो है ना वो यहाँ पर पोटैटो लगाने वाले हैं, देखते हैं कौन सी चीज का सीजन है। एक सेकंड भाई, सीजन चल रहा है सनफ्लावर का, सोयाबीन का भी नहीं चल रहा, पोटैटो का सीजन चल रहा है, और शुगर केन का। तो आई थिंक सो कि हम लोग एक फील्ड में शुगर केन और एक फील्ड में पोटैटो लगा देंगे, अपने दो ही फील्ड अभी खाली हैं। तो शुगर केन हम लोग लगाएंगे अपनी शुगर की फैक्ट्री के लिए, और शुगर केन तो हम लोग लगा देंगे वो लास्ट वाले खेत में, और इधर वाले खेत में हम लोग आलू लगाएंगे आज, और आलू की भी आगे हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और शुगर केन की भी आगे प्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो भाई, $23,000 और हमें मिल चुके हैं, जल्दी से हम लोग फटाफट से बाकी का सामान भी लोड कर लेते हैं। तो यहाँ से भाई ये ऑयल जो है ना अपने, ये भी हमने लोड कर लिए हैं, देखते हैं अभी और यहाँ पर कितना ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल अभी कम है, तो ठीक है ऑयल अभी इतना ही है अपने पास। और यहाँ से हम लोग जो है ना वो मल्टी प्रोडक्ट्स को अभी लोड करने वाले हैं, तो यहाँ पर से ये जो भी चीजें हैं ना ये, चलो ये भी हमने लोड कर लिए। और अभी जो है ना हम लोग भाई यहाँ से इधर से अपना जो कपड़ा बना पड़ा है ना ये भी लोड करना है अपने को। ये देखो भाई, ये फैब्रिक है या क्लॉथ है जो भी है। ऑल राइट आई थिंक सो भाई, यहाँ पर अपना जो है वो कॉटन भी अभी है और वूल भी अभी यहाँ पर है। तो बस ठीक है, यहाँ पर अपना एकदम सीन सही चल रहा है, अपनी स्पाइनरी भी ठीक से ही काम कर रही है, और यहाँ पर अपने को जरूरत तो नहीं है कुछ भी छेड़छाड़ करने की। तो ठीक है, अभी अपना यहाँ पर फैब्रिक भी आ चुका है ये देखो भाई, और यहाँ पर अपना फ्लोर भी आ चुका है, सनफ्लावर ऑयल और कैनोला ऑयल भी आ चुके हैं। तो भाई अपनी प्रोडक्शन काफी सही चल रही है, इनको भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पर लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करने वाले नहीं है। ये हम लोग इनको लेकर आ चुके हैं भाई यहाँ
यहाँ पर। और ये देखो भाई डायरेक्ट अपनी चीजें सेल होना शुरू हो गई हैं। अभी देखते हैं कि अपने को कितने पैसे मिलते हैं भाई ये सारा कुछ बेच बाच के। और भाई अपने को लगभग $40,000 मिल गए भाई, $40,000 मिल गए हैं। चलो ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड, गुड यार। अभी जो है ना ये कॉफी बीन्स भी हम लोग सेल कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। ये जितने भी इसके अंदर आ सकते हैं सारे के सारे हम लोग लोड कर लेते हैं। आई थिंक ये जो बाहर बाहर पड़े हैं ना इतने से तो आ ही जाएंगे। नहीं आए, और भाई साहब 220,000 लीटर आए हैं। लेकिन भाई आगे से अपना ट्रैक्टर पूरा उठ गया भाई। ओए होए 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 भाई अपना फार्म ट्रैक पूरा उठ गया आगे से। अरे भाई साहब लुक एट दिस। अरे भाई इसको बड़ी मुश्किल से ले जा पा रहा हूँ भाई मैं वहां पर। चलो ये होप्स हो के वहां तक चला जाए। ओके इसके आगे ना वेट अटैच करना पड़ेगा, और आई थिंक फार्म ट्रैक के आगे वेट हम लोग अटैच नहीं कर सकते भाई। चलो ये जैसे तैसे करके बस वहां तक एक बार चला जाए। इस वाले ट्रैक्टर के ऊपर तो बहुत ज्यादा लोड हो रहा है भाई, ये लोड तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे 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 भाई भाई आराम से आराम से। चलो भाई मैंने ना थोड़े से यहाँ पर उतार दिए हैं, अपना ट्रैक्टर आगे से उठ रहा था तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अपने को यहाँ पर, तो मैंने थोड़े से यहाँ पर उतार दिए हैं और बाकी के हम लोग यहाँ पर सेल कर लेते हैं। ओके अभी देखते हैं कि अपने को कितने पैसे मिलते हैं इसके। तो यहाँ से थोड़ा रिवर्स करते हैं और दोबारा से ऑटो लोडिंग ऑन कर लेते हैं हम लोग। और ये देखो भाई चलो अभी इतने तो लोड हो गए, और वहाँ पर 3-4 अभी रह रहे हैं वो भी हम लोग साथ ही लोड कर लेते हैं। 2, 4, 6, 2, 8, 9 पैलेट्स हैं ये वाले और 4 हैं वो वाले, मतलब टोटल 11 पैलेट्स हो जाएंगे अपने पास। और आई थिंक इतना लोड तो ये आराम से उठा लेगा। चलो अभी इतना लोड तो इसने उठा लिया आराम से 20,000 लीटर में। तो भाई अपने इस फार्म ट्रक की भी फट के 4 हो गई थी, लेकिन अभी जो है ना ये ठीक ठाक लोड उठा पा रहा है। और अभी जल्दी से इसको चल के हम लोग बेच देते हैं। और भाई अपने पास 2,03,000,000 हो चुके हैं, और अभी ये बेचने के बाद देखते हैं अपने पास कितने मिलियन डॉलर्स होते हैं। और हम लोग आई होप सो कि अपना 500 मिलियन जल्दी ही कलेक्ट कर पाएंगे भाई, वेरी सोन। चलो भाई $91,000 और अपने को मिल चुके हैं यहाँ पर। और एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, ये वाला अपना ऑटो लोडिंग वाला ट्रेलर ना हम लोग यहीं पर ही डिटैच कर देते हैं, और ये फार्म ट्रैक भाई मैं इधर ही खड़ा कर देता हूँ, या फिर इसको ना हम लोग वहां लगाते हैं। इधर साइड में खाली जगह है ना भाई काफी सारी, क्योंकि अब अपने पास काफी सारी स्पेस तो खाली हो चुकी है। और आज अपने को एक बड़ा वाला प्लांटर खरीदना है भाई, जिसमें हम लोग बहुत बड़ा सा मतलब ट्रैक्टर खरीदना है जिसके साथ हम लोग बड़े से किसी प्लांटर को उसके साथ अटैच कर सके। तो मतलब बड़े प्लांटर की मदद से हम लोग बड़ी चीजें प्लांट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी अपने को एक बड़ा सा खेत कॉटन के लिए भी खरीदना है। और ये देखो अभी यहाँ पर इसमें बहुत सारी अपनी कॉटन पड़ी हुई है, तो तुम लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई कॉटन भी खरीदो। तो अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ना कोई बढ़िया वाला ट्रैक्टर खरीदते हैं, पहले हम लोग प्लांटर खरीदते हैं भाई। ये प्लांटर 9 मीटर वाला, और इसमें फर्टिलाइजर भी डल जाता है। लेकिन ये प्लांटर जो है ये कितने मीटर का है भाई, ये 12 मीटर वाला है, बट यार इसमें फर्टिलाइजर नहीं डलता ना यार। और भाई ये देखो ये 36 मीटर वाला प्लांटर है, ये भी हम लोग लेंगे वो बड़े वाले खेत को प्लांट करने के लिए। भाई ये $3,90,000 का भाई, लेकिन ये नहीं लेना, ये तो एकदम घटिया बकवास बेकार है ये। और भाई ये कैसा प्लांटर है मुझे समझ ही नहीं आ रही है ये किसके साथ अटैच होगा। लेकिन हम लोग ना भाई ये केस टू का, अरे भाई तो महंगाई बहुत है, अरे $2,82,000 का ये भाई। लेकिन इसके अंदर भाई फर्टिलाइजर नहीं डलता, ये नहीं चाहिए अपने को भाई, ये नहीं चाहिए। इससे बेहतर तो ये वाला है, और इसके अंदर फर्टिलाइजर भी डल जाता है, और ये काफी सारी चीजें प्लांट कर सकता है, कॉटन भी, शुगर बीट भी, सनफ्लावर भी, और ये कॉर्न भी, सोयाबीन भी, और ये बाकी चीजें भी इसके अंदर हम लोग प्लांट इसके साथ कर सकते हैं। तो ये सही है भाई, ये हम लोग ले लेते हैं। ओके ये ठीक है भाई, इसको 250 हॉर्स पावर लगेगा, तो ठीक है भाई इसको तो हमने ले लिया है। और अभी हम लोग एक ट्रैक्टर खरीदते हैं, बड़ा वाला विदेशी ट्रैक्टर भाई। तो भाई साहब मैंने ये वाला ट्रैक्टर फाइनल किया है, ये देखो एकदम बहुत ही ज्यादा ज़ेरियन 5000, ये तुम लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया था, और भाई ये लगभग $5,00,000 का ट्रैक्टर आया है। और अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने इस वाले ट्रैक्टर के अंदर। ओए होए 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 भाई लुक एट दिस भाई, क्या बड़ा ट्रैक्टर है भाई साहब, ये देखो तुम लोग। ओए होए 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 भाई साहब इसके इंजन को देखो तुम लोग एक बार। ओए होए 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 भाई साहब क्या ही जॉइंट ट्रैक्टर है ये। तो चलो भाई साहब इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं। और भाई इसके दोनों टायर्स टर्न होते हैं, तो एकदम सही सीन है भाई, ये कम जगह से भी मुड़ जाता है। लेकिन ये भाई टायर, ये ट्रैक्टर बहुत बड़ा है, कुछ ज्यादा ही जॉइंट है ये वाला ट्रैक्टर। तो चलो इसके साथ हमने ये देखो भाई अपने ये सीडर्स मतलब ये प्लांटर इसको हमने कर लिया है अटैच। और क्या ये उखड़े उखड़ेगा तो नहीं ना भाई। चलो ठीक है भाई इसको हम लोग लेकर चलते हैं एक बार सीधा सीधा अपने खेत में। और इसका ना ऊपर से हम लोग कवर ओपन कर देते हैं, और इसको हम लोग चल के ना पहले इसके अंदर सीड्स वगैरह भर लेते हैं खुद ही। और ये देखो भाई ट्रैक्टर तो बहुत ही बढ़िया वाला है भाई, बहुत ज्यादा जॉइंट ट्रैक्टर है अपना ये वाला। तो ठीक है भाई साहब अपना ये ट्रैक्टर तो एकदम बढ़िया अपने पास आ चुका है, और जल्दी से इसको लेकर चलते हैं। और पहले हम लोग भरते हैं वहां से सीड्स, और इसके अंदर आई थिंक हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर भी भर सकते हैं। और अपने को यहाँ पर लगाने हैं आलू। पोटैटो का साइन कहाँ गया, ये रहा, नहीं भाई ये नहीं है पोटैटो। अरे एक सेकंड भाई ये पोटैटोस, अरे भाई क्या ये इससे पोटैटो हम लोग नहीं प्लांट कर सकते। अरे भाई लगता
अपने साथ स्कैम हो गया भाई। अरे इसके साथ हम लोग पोटैटो नहीं प्लांट कर सकते। हेलो, अरे भाई पोटैटो इसके साथ कर ही नहीं सकते। अरे भाई साहब मर गए यार, शिट भाई। ओए हो हो, ये रही पोटैटोज टेक्नोलॉजी, और आलू हम लोग सिर्फ इसके साथ कर सकते हैं प्लांट। तो भाई साहब स्कैम तो अपने साथ हो गया, और ये मशीन भी अब अपने को खरीदनी पड़ेगी, ये पोटैटोज वाली। लेकिन यार भाई साहब ये $1,40,000 किया भाई, और ये हम लोग लीज पर भी नहीं ले सकते। चलो इसको हम लोग खरीद ही लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। अभी अपने को आहिस्ता आहिस्ता भाई चीजें भी ज्यादा चाहिए होंगी, तो चलो पहले इसके अंदर ना हम लोग सीड्स भर लेते हैं। और हम लोग एक साइड पर वैसे भी वो लगाने वाले थे शुगर कैन, तो आई थिंक सो कि इसके साथ हम लोग शुगर कैन प्लांट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से ये सीड्स तो भर रहा है, और अभी यहाँ से इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर भी हम लोग भर सकते हैं। आई थिंक सो, मैंने देखा था भाई लिक्विड फर्टिलाइजर भी हम लोग भर सकते हैं। भाई साहब ये भर तो रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा भाई, ये तो पैसे कटते जा रहे हैं। एक सेकंड, अरे भाई साहब $50,000 कट गए मेरे, लेकिन भाई इसमें तो वो दिखाई नहीं रहा। हेलो, एक सेकंड भाई, ये और क्या प्लांट कर सकता है। अरे भाई साहब स्कैम हो गया यार, शिट भाई। शुगर बीट अभी हम लोग स्कैम कर सकते हैं प्लांट, तो इसके साथ ना हम लोग शुगर बीट ही फिर कर देते हैं प्लांट, क्योंकि अभी हम लोग ना शुगर कैन तो करने ही वाले थे, लेकिन अभी हम लोग शुगर बीट कर देते हैं। बट यार इधर वाले फील्ड के अंदर हम लोग ना पोटैटोज करेंगे, अभी उधर हम लोग शुगर बीट करते हैं, बाद में शुगर कैन प्लांट करेंगे। तो ठीक है भाई, एक बार जैसे भी चल रहा ना ये सिस्टम चलने देते हैं हम लोग। और ये वाली वीट जैसे ही रेडी हो जाएगी, हम लोग ये वीट काट के ना इसके अंदर भाई इसकी जगह पर ना कुछ और लगा लेंगे, मतलब अपना फार्म हम लोग बनाएंगे इसी की जगह पर। चलो भाई साहब इसको टर्न ऑन करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं लोवर। और भाई साहब ये वैसे काम तो एकदम तगड़ा कर रहा है। ओके, तो मुझे अभी देखना है कि क्या ये यहाँ पर फर्टिलाइज कर रहा है। अरे हाँ भाई फर्टिलाइज तो ये कर रहा है। चलो भाई यहाँ पर ये तो अभी अपना काम चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर ये करता रहेगा। आई होप सो कि ये अटकेगा नहीं, मतलब यहाँ पर ये एरिया को छोड़ेगा नहीं। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वैसे ये छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, मतलब छोड़ेगी। चलो ठीक है, अभी हम लोग जो है ना अपने दूसरे किसी ट्रैक्टर में चलते हैं, हम लोग भाई अपने न्यू हॉलैंड में चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर अपना एक और बीस्ट आ चुका है भाई, आज मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया भाई। ये बीस्ट भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और भाई इस बीस्ट को तुम लोग एक बार देखो इसकी क्या इसका शोर है भाई, और ये बहुत ज्यादा भागता है, ये 1200 हॉर्स पावर का है। तो भाई साहब अभी हम लोग अपने इस वाले बीस्ट को लेकर चलते हैं फटाफट से अपने फार्म में। और भाई लुक एट दिस भाई, इसके साथ हम लोग इसकी मदद से, अबे हट जा भाई सामने, अबे 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 भाई साहब इसने अपना एक्सीडेंट करवा दिया था अभी। तो अभी जो है ना हम लोग जल्दी से चलते हैं, और चल के ये पोटैटो वाली अपनी मशीन हमने भाई खुद ही खरीद ली है, तो हम लोग भाई पोटैटो की फार्मिंग भी ट्राई करेंगे। तुम लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई नई नई जो है ना वो फार्मिंग ट्राई करो, और हम लोग आज वही करने वाले हैं। हम लोगों ने आलू कभी प्लांट किए नहीं है, ना ही कभी हार्वेस्ट किए हैं। और भाई इस ट्रैक्टर की तुम लोग स्पीड देखो भाई एक बार, लुक एट दिस। और भाई गलती से हम लोग थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गए हैं, और यहाँ से अपने को भाई इसमें से वो सीड भरने थे इसमें, और यहाँ से ये सीड तो भर रहा है। ओके ठीक है, इसको हम लोग बाद में फर्टिलाइज खुद ही कर देंगे, अभी इसको हम लोग सिर्फ सीड्स भरते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, चेक करो भाई तुम लोग चेक करो इस वाले बीस्ट को, और इसको ना हम लोग जल्दी से अनफोल्ड करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं अभी आलू। पहले हम लोग भाई उधर साइड से ना एक राउंड खुद लगा कर आएंगे, ताकि ये यहाँ से जो एरिया छोड़ता है ना भाई, ये एरिया ना छोड़े। चलो अभी यहाँ से जो है ना इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं थोड़ा पीछे, और इसको ना यहाँ से हम लोग लगाना शुरू करेंगे। चलो इसको अभी हमने स्टार्ट कर दिया भाई यहाँ पर, और इधर साइड में ना एक राउंड हम लोग खुद लगाएंगे आलू का। चलो भाई ये देखो, ये अभी अपना जो है ना अपना ये वाला बीस्ट यहाँ पर आलू प्लांट कर रहा है, और यहाँ पर जैसे ही ये कर लेगा इसको हम लोग AI वर्कर को दे देते हैं। ठीक है भाई, इसने यहाँ पर ये काम तो कर लिया है, और अभी एक सेकंड मुझे यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर एकदम बढ़िया काम चल रहा है भाई यहाँ पर शुगर बीट का, और ये अपने दो दो बढ़िया ट्रैक्टर हो चुके हैं। उसके आगे भाई हमने 2200 kg वेट अटैच कर रखा है भाई, और ये काफी ज्यादा, एक सेकंड रुको जरा, बहुत ज्यादा भाई एरिया ये कवर कर रहा है एकदम सही तरीके से। अभी आई थिंक इसके दो राउंड ही सिर्फ लगेंगे, और मतलब ज्यादा राउंड इसके नहीं लगेंगे, बस दो ही राउंड लगेंगे। चलो भाई साहब यहाँ पर अपना ये बीस्ट यहाँ पर प्लांट कर रहा है, और अपना दूसरा वाला बीस्ट वो उधर प्लांट कर रहा है, ये देखो भाई। लेकिन एक सेकंड भाई, इसने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, और वो गड़बड़ को हम लोग अभी सुधार लेते हैं भाई। मुझे लगा ही था कि ये यहाँ पर गड़बड़ तो जरूर करेगा। ओके भाई साहब, यहाँ पर इसने थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया था, ये गलत तरीके से प्लांट कर रहा था यहाँ पर, लेकिन हमने भाई इसको थोड़ा सा यहाँ से सही कर दिया है, और अभी जो है ना हम लोग इसको लगाएंगे तो ये सही से कर लेगा प्लांट। चलो भाई साहब ठीक है, एकदम बढ़िया हो चुका है यहाँ पर से। और अभी जो है ना मेरे पास एक और आइडिया है। अरे भाई क्या तकलीफ हो रही है इसको। ओके भाई साहब, अभी यहाँ पर एकदम
एकदम सही से ये प्लांट कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एआई वर्कर को दे देते हैं अपने, और ये अभी एकदम सही तरीके से ये प्लांट करता रहेगा यहाँ पर। मतलब ये फिर से लड़की आ गई है यहाँ पर, ये देखो भाई कितनी ज्यादा डस्ट उड़ा रहा है ये। और इसके अंदर ना भाई अभी लाइम की जरूरत है भाई इस वाले खेत में। अरे भाई साहब इस खेत में लाइम की जरूरत थी। अरे यार ये लाइम छिड़कने से होता क्या है, तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना यार लाइम से क्या होता है। तो चलो अभी हम लोग अपना ये वाला न्यू ऑलैंड स्टार्ट कर देते हैं। और भाई अपने पास सिर्फ 1.1 मिलियन डॉलर बचे हैं भाई साहब, ओनली 1.1 मिलियन डॉलर भाई, समझ रहे हो तुम लोग, सिर्फ 1.1 मिलियन डॉलर्स बचे हैं सिर्फ। तो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पर ये अपना न्यू ऑलैंड यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। तो अभी हम लोग आ गए अपने दूसरे वाले अपने घर, मतलब अपना जो घर वाला ये है क्या बोलते हैं इसको भाई फार्म, दूसरा वाला अपना लेक वाला जो फार्म है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर मुझे अभी चेक करना है अपनी शीप्स के पास खाना वाना है, और अपनी काउस के पास कितना खाना पड़ा हुआ है, और अपनी शीप्स के पास कितना खाना है। और इनके पास अभी बहुत फूड है भाई, इनका फूड तो अभी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। और अपनी काउस की थोड़ी सी टेंशन होती है मेरे को, मगर इनके पास भी अभी खाना है भाई, पानी भी है खाना भी है, इनके पास मिल्क भी है अभी 1730 लीटर। लेकिन इनके पास जब 10-15 हजार लीटर मिल्क हो जाएगा ना तब हम लोग इनको यहाँ से मतलब मिल्क निकालेंगे इनका। और अपने पास 59 एनिमल्स हैं यहाँ पर अभी। तो भाई साहब मैं ना सोच रहा हूँ कि यहाँ पर से ना ये वाला जो काउ बान है ना इसको हम लोग हटा दें भाई, इसमें काउस बहुत ज्यादा थोड़ी आ रही हैं। और ये जितनी भी काउस है ना ये हम लोग सारी की सारी कर देते हैं सेल, हमने ली थी भाई अभी बहुत कम पैसों में, मतलब बिक रही हैं। तो आई होप सो कि अब हम लोग यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर से जो है हमने अपना काउस का जो छोटा वाला बान है वो खत्म कर दिया। अभी यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ एक बड़ा वाला बान, वो मैं तुम लोग को अभी दिखाता हूँ कि कौन सा वाला बान लगाने वाला हूँ मैं भाई। हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ये वाला काउ बान, जिसका जिस तरह का हमने भाई अपनी शीप्स के लिए लगाया बिल्कुल वैसा ही हम लोग लगाएंगे अपनी काउस के लिए। लेकिन 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 ये लगाएंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करके इधर साइड में, लेकिन उसके लिए मुझे ना भाई पहले ये घास को यहाँ से हटाना पड़ेगा, थोड़ा और यहाँ से साइड पे करना पड़ेगा इसको भी, हमें खुद भी भाई यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, और ये रहा किधर गया भाई। तो भाई साहब यहाँ पर हमने लगा दिया है अपना ये वाला काउस के लिए ये वाला बान, और इधर साइड में भाई काफी ज्यादा चीजें कोलैप्स हो गई हैं, मतलब अभी इनको हम लोग फिक्स करने की कोशिश करते हैं भाई। ये वाला बान तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वैसे, क्योंकि ये लास्ट टाइम हमारे पास था भाई और इसमें बहुत सारी काउस आ जाती हैं। और यहाँ पर अभी इसको जो है ना वो थोड़ा सा अपने को लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर भाई, इस साइड से तो लैंडस्केपिंग होगी नहीं और ना ही यहाँ पर करने का कोई फायदा है। और इधर साइड से हम लोग थोड़ी सी वैसे कर सकते हैं, यहाँ से अपने निकलने के लिए और उतरने के लिए हमने भाई थोड़ा रास्ता सेट कर लिया है। और इधर साइड में अब अपने को लैंडस्केपिंग जो है ना वो करनी पड़ेगी यहाँ से, ताकि यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ हो जाए ये वाला एरिया। तो ठीक है भाई साहब यहाँ पर ये हो चुका है, और तुम लोगों को मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ भाई। यहाँ पर ये चेक करो, इधर साइड से हम लोग भाई खाना डालेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ से आके इधर साइड से हम लोग डालेंगे भाई खाना। और ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ से हम लोग भाई कोई गाड़ी ला भी नहीं सकते, और एकदम बढ़िया तरीके से ये अपना यहाँ पर फार्म सेट हो गया। और यहाँ से हम लोग जो है ना, अरे भाई एक सेकंड। तो ठीक है भाई अभी यहाँ से भी मैंने थोड़ी सी लैंडस्केपिंग कर दी है, अभी हम लोग यहाँ से एकदम इजीली, अरे भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ा गड्ढा था भाई, आई थिंक अब एकदम परफेक्ट हो चुका है यहाँ से। हाँ अभी ज्यादा बड़ा कोई जंप नहीं है यहाँ से, तो अभी हम लोग यहाँ से एकदम आराम से निकल सकते हैं, यहाँ से मैनुअर वगैरह भी हम लोग भर सकते हैं, और इधर साइड से भी हम लोग वैसे खाना डाल सकते हैं नो प्रॉब्लम। इस वाले काओ के बांध के अंदर हम लोग दोनों साइड से खाना डाल सकते हैं, और आई थिंक ये रात के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइट्स भी इसमें चलेंगी इस वाले बांध के अंदर। तो अभी हम लोग, ओ हो भाई ये कहाँ घुसा दिया मैंने, अभी ना भाई हम लोग जल्दी से यहाँ पर काउस खरीद लेते हैं अपनी। और ये बांध अभी एकदम बढ़िया लग रहा है भाई, तुम लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अभी अपने पास भाई पैसा तो काफी ज्यादा खत्म हो रहा है, तो हम लोग ना यहाँ पर 60 काउस ये खरीद लेते हैं, 60 ही काउस ये खरीद लेते हैं, और बाकी काउस हम लोग ये वाली खरीदेंगे। ओके भाई साहब तो यहाँ पर अपनी काउस जो है ना वो आ चुकी हैं बहुत सारी, मतलब लगभग 200 काउस अपनी आ गई हैं। और इनको अभी यहाँ पर अपने को पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको जस्ट अपने को खाना डालना है, और वो खाना मेरे को पता है यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और खाना इनको हम लोग यहाँ से उठा के ये जो बेल्स रखे हुए हैं ना भाई यहाँ पर ये डाल देते हैं। यस अभी हम लोग ना अपनी काउस के लिए ना किसी बड़े वाले फील्ड के अंदर ना भाई घास भी लगाएंगे, और उसकी साइलेज भी बनाएंगे, और कॉर्न की साइलेज भी हम लोग बनाएंगे भाई। जब कॉर्न का सीजन आएगा तो हम लोग ना किसी खेत में कॉर्न भी लगाने वाले हैं, और यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा हम लोग खाना डाल सकते हैं नो प्रॉब्लम। अभी इनके पास 20-22 हजार लीटर चला गया खाना, अभी यहाँ पर अपनी दिक्कत खत्म हो जाएगी, अभी अपने को बार बार यहाँ पर खाना नहीं डालना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अभी ना मेरे पास एक आइडिया है भाई, मैं ना भाई सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर कुछ एप्पल की ट्री लगा दिए जाए यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ साथ, तो कैसा रहेगा भाई यहाँ पर, ये देखो इधर इधर साइड में भाई वैसे लग तो बढ़िया रहा है।
चलो भाई साहब, यहाँ पर हमने एप्पल ट्रीज तो लगा दिए हैं और ये अपनी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा भाई, ये अपनी साइड इनकम है और वो मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ कैसे। ये देखो, हमने यहाँ पर भाई ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम ऑन कर दिया, एप्पल को एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पर हमने इनको लगा दिया डायरेक्ट सेलिंग पर। और जितने भी अपने पेड़ हैं इनको हम लोग यही करने वाले हैं और यहाँ पर ये सेलिंग पर लग गए और बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखो भाई, ये सारे मैं ऑन कर देता हूँ और तुम लोग को फिर बताता हूँ मैं। तो भाई साहब ये देखो, यहाँ पर हमने सारे के सारे अपने एप्पल ट्रीज को चालू कर दिया है और यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्शन है ना भाई, वो देखो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो, और इधर साइड में भाई ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और अभी मंथ जो है ना वो मार्च का चल रहा है, बट यार ये पत्तों के ऊपर, मतलब ये अभी इनके ऊपर पत्ते क्यों नहीं आ रहे भाई, पेड़ों के ऊपर। सारे पेड़ ही वैसे ऐसे ही लग रहे हैं मुझे, अप्रैल और मई, अप्रैल के अंदर आई थिंक सो भाई, फरवरी में वैसे बाहर का मौसम शुरू हो जाता है। ये सारे पेड़ मेरे को ऐसे क्यों लग रहे हैं भाई, बिखरे बिखरे से, उजड़े उजड़े से भाई। चलो अभी यहाँ पर जो है इधर साइड में हमने काफी अच्छा काम कर दिया है और अभी ये वाला एरिया अपना अभी बाकी रहता है, तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे से प्रोग्रेस करेंगे जो भी अपने को करना होगा। तो ये घर पे भी अभी यहाँ पर उधर साइड में अपना सोलर पैनल भी लगा हुआ था ना भाई, और हमने मंथ तो जो है वो स्किप किया ही नहीं और सोलर पैनल ने अभी तक अपने को कोई इनकम नहीं दी भाई। ये देख रहे हो तुम लोग, अगर हम लोग मंथ स्किप करेंगे तो ये सोलर पैनल भी अपने को इनकम देगा। तो चलो भाई साहब, हम लोग अपना ये वाला स्कूटर लेकर चलते हैं अभी एक बार अपने इस वाले फार्म के अंदर। और ये जॉन डियर का हमने ये क्वाड बाइक लिया था और अभी इसको हमने कभी चलाया नहीं है वैसे एक बार भी, तो अभी इसको लेकर हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने इधर साइड वाले फार्म के अंदर। और यहाँ पर अभी क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं चल रहा। इधर साइड में जो काम हमने लगाया था आई थिंक वो तो सारे पूरे हो चुके हैं, बस ये आलू जो है अपने ये प्लांट हो रहे हैं और अपना वो वाला जो है ना बड़ा वाला ट्रैक्टर वो वहां पर उसने अपना काम फिनिश कर दिया, ये वाले अपने क्लास के ट्रैक्टर ने। और ये देखो भाई, इसने अपना काम यहाँ पर पूरा कर दिया। और इधर साइड में हमने पूरा का पूरा क्या लगाया था वैसे, शुगर बीट भाई लगाई थी, शुगर बीट। और अभी अपने को यहाँ पर रोलिंग करनी है, तो अभी रोलिंग वाला जो काम है वो मैं यहाँ पर अपने वर्कर को लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले अपने को ये जो है ना अपने ये वाले सीडर को लेकर जाना पड़ेगा और इसको जाके शेड के नीचे खड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ बीचों बीच से चलते हैं होकर। चलो भाई, इसको अभी यहाँ से हम लोग रिवर्स लगाने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या ये रिवर्स लग पाता है, मतलब अपनी अभी हमारी ड्राइविंग का पता चलेगा भाई कि हम लोग कितने पिरो ड्राइवर हैं। अरे भाई, ये तो अपना ट्रैक्टर यहाँ पर अटक रहा है, इसको भाई मुझे थोड़ा यूं करके लगाना है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे 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 ऐसे। ऑल राइट, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है और अभी जो है ना हम लोग रोलर्स लेकर आते हैं। यहाँ पर अपना सीडर तो लग गया और अभी अपने को ना रोलर्स लेकर आने हैं और अपने इस पोटैटो वाले खेत के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अपने पास क्या है। यहाँ पर लाइम की जरूरत है, यहाँ पर फर्टिलाइज तो हो गया ये। अरे एक सेकंड, ये तो फर्टिलाइज्ड ही नहीं है भाई। अच्छा, इसको सिर्फ अपने को फर्टिलाइज करना है, यहाँ पर रोलिंग की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं ये बड़े वाले रोलर ही खरीदने वाला हूँ भाई, आज बहुत ज्यादा अपना पैसा जो है वो जा रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पर रोलर्स के पास और अपना इतना बड़ा ट्रैक्टर हमने इसीलिए दो दो ट्रैक्टर खरीदे थे ताकि भाई हम लोग एकदम आराम से फार्मिंग कर सकें। तो ये हमने यहाँ पर अटैच कर लिया, अभी जल्दी से चल के हम लोग रोलिंग वाला काम निपटा लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं भाई अपने खेत में और जल्दी से इनको अनफोल्ड करते हैं। और मुझे नहीं पता कि भाई ये कितना ज्यादा मतलब एरिया कवर करने वाले हैं, तो इनको इसलिए मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ क्योंकि अभी अपने वहां पर एक वो इतना बड़ा सा खंभा लगा हुआ भाई लाइट वाला, तो अपने को बस उसको भी नहीं कुचलना। आई होप, अरे ये और खुलेंगे भाई, मैं चाह रहा था कि ना खुलें भाई, ये तो अपने आई थिंक सो दो तीन राउंड ही लगेंगे भाई साहब। तो भाई इस वाले खंबे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर अगर अपने को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर इसको दोबारा से लगा लेंगे। तो अभी जो है ना अपने को यहाँ पर फिलहाल तो रोलिंग करनी है। और यहाँ पर देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा रोलिंग कर रहा है ये, मतलब कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ये, 24 मीटर। अभी ये अच्छा है अपने पास ये बड़े वाले रोलर्स हैं तो ये एकदम बढ़िया तरीके से काम करते हैं, मतलब अपना टाइम बच रहा है यहाँ पर। और हम लोग जैसे ही कोई बड़ा खेत खरीदेंगे, लेकिन अभी तो अपने पास पैसे नहीं है, अभी हम लोग जो है ना वो थोड़ा टाइम को फास्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग कोई बड़ा वाला रोलर खरीदेंगे तब अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब ये वाले मतलब बड़ा वाला कोई खेत जब खरीदेंगे तब इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। ये देखो भाई, आधा खेत लगभग, सिर्फ 3 ही राउंड लगेंगे मुझे लगता है इसके, जस्ट 3 राउंड लगेंगे और ये पूरा का पूरे खेत में रोलिंग हो जाएगी भाई। ये देखो डन। और अभी यहाँ पर से, अरे भाई घुमा ले ट्रैक्टर को, यहाँ से घुमाएगा ये थोड़ा थोड़ा करके भाई, ये आराम से यहाँ से घुमा लेगा और ये अपने इस पूरे खेत में जल्दी से रोलिंग कर देगा। और यहाँ पर अपना ये वाला जो ट्रैक्टर है ना, ये इसका एक लास्ट राउंड बचा हुआ है, ये भी यहाँ पर कर रहा है। और अपने पास बहुत सारे सीडर्स हो गए हैं, अभी मुझे ना भाई और ज्यादा शेड लगाने पड़ेंगे। अपना ये वाला जो घर है ना भाई, ये हम लोग बेच देते हैं यहाँ पर से, ये वाला घर हम लोग यूज तो करते हैं नहीं भाई, यहाँ पर इसको हम लोग सेल कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी जो है ना वो पार्किंग स्पेस बनाने वाले हैं भाई। तो ये यहाँ पर एक शेड मैंने लगा दिया है और पता नहीं सही लगाया या गलत लगाया है, बस मैंने लगा दिया भाई, थोड़ा ओल्ड टाइप का भाई, ये नहीं सही, हम लोग ये नहीं लगाएंगे। तो ठीक है भाई, इधर साइड में इस वाले अपने
अपने वर्कर ने जो काम है वो खत्म कर दिया है और अभी जो है ना मैं जल्दी से ना एक छोटा सा काम रह गया वो कर लेता हूँ। ये वाले ट्री भाई मुझे यहाँ से हटाने हैं तो इनको मैं हटा देता हूँ। ये वाला जो ट्री है ये भी हटेगा क्या? ओके भाई साहब, यहाँ पर से हमने ये सारा कुछ हटा दिया और अभी अपने पास काफी ज्यादा पार्किंग स्पेस हो चुकी है और अब आई थिंक हम लोग अपनी ये वाली हार्वेस्टर को भी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। वैसे इसको यहाँ पार्क करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग उधर अपने बड़े वाले गैराज में पार्क करेंगे ना, यहाँ क्यों इसको पार्क करेंगे हम लोग? इसको इधर लेकर चलते हैं अपने बड़े वाले गैराज में, इसको वहां पर पार्क करते हैं। ये देखो इतना बड़ा गैराज है भाई हमारे पास। ओहो, एक सेकंड भाई, इसको ना यहाँ से पीछे निकाल लेते हैं इधर साइड से, तो ये पूरी नहीं आएगी। तो इसको हम लोग अपने इस बड़े वाले बांध के अंदर लगाते हैं। ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है, मतलब ये कब काम आएगा भाई? इसको यहाँ पर लगाते हैं अंदर साइड में। ये देखो भाई यहाँ पर लगेगी अपनी ये वाली हार्वेस्टर। ओहो चलो भाई, ये देखो ये यहाँ पर लग गई अपनी हार्वेस्टर, और ये बड़ी वाली, और यहाँ पर ये हार्वेस्टर लग गई, और यहाँ पर इसके हेडर भी रखे हुए हैं, और इधर साइड में भी छोटी मोटी चीजें लग जाएंगी। हमने भाई काफी ज्यादा पार्किंग स्पेस यहाँ पर बना ली है, और यहाँ पर ये रोलिंग वाला काम भी खत्म हो गया है अपना, और ये रोलर्स भी अब अपने को खड़े करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो इनको लगाना पड़ेगा ना भाई। तो ये रोलर्स का काम भी अब खत्म हो चुका है, और भाई अपने जो पोटैटोज हैं वो भी प्लांट हो चुके हैं। तो चलो ठीक है भाई साहब, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो चले वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मजेदार क्लिप के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।